सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय करुणाकरण जी का आभारी हूं कि जिन्होंने जिस दिन से चर्चा शुरू की उसके बाद देश के अंदर किसानों पर संकट और उसके समाधान के लिए लगातार हम लोग अभी तक 75 दो इसमें अपने विचार व्यक्त किए और हम सब लोगों ने ईमानदारी से किसान के संकट की चर्चा की है। अब एक दो लोगों की बात अलग है, राजनीति जिनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन हम सब लोगों ने अब आप समझिए तो करुणाकरण जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और करुणाकरण जी से भी ज्यादा मैं सम्माननीय राहुल जी का सम्मान आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद विदेश से आप लौटे हैं, देश के उन्हें पहुंचे हैं, इसलिए देश की जनता की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों देख, आप मत बोलिए, फिर आप खड़ा होइए, बोलिए। ये ऐसा अवसर है कि ये अवसर नहीं, जितने सदस्यों ने इसमें चर्चा में भाग लिया हम सबके आभारी, और ये अवसर ऐसा होता है जिसमें निर्दोष भाव से हमें कृषि किसान और उसके संकट पर जब चर्चा करेंगे तो आगे उसका भविष्य बनेगा। राजनीति करते हैं तो राजनीति भी उसमें आवे, इसमें कोई बंधन नहीं हो सकता है, लेकिन जरा उदार मन से और सब लोग मिलकर यदि चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान की गति तेज हो। तो सबसे पहले तो हमें चिंता करनी है, क्योंकि हम सरकार में आए हैं तो सरकार में आने के बाद अब ये राजनीतिक भाषा मेरी हो सकती है कि पुराने युग में सतयुग और द्वापर जब होता था तो उस समय जो पाप करता था उसी को प्रायश्चित करना पड़ता था, लेकिन यह है कलयुग, इसमें पाप कोई करता है और प्रायश्चित किसी को करना पड़ता है। लेकिन मेरा विषय वो भी नहीं है, मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय है कि जब हम सरकार में आए हैं 14-15 में जब हम सरकार में आए हैं तो सरकार में आते ये जो सूखा का जो संकट आया देश में, हम सब अवगत हैं और सब चिंतित थे, पूरा देश चिंतित था, और टेलीविजन के लोग बैठे होंगे, भीषण अकाल पड़ेगा, और वास्तव में पूरा सदन चिंतित था, देश चिंतित था। लेकिन मैं देश के किसानों को और राज्य सरकारों को भी बधाई दूंगा और कृषि अनुसंधान परिषद विश्वविद्यालयों को बधाई दूंगा कि सबने मिलकर 570 जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाकर राज्यों को मुहैया कराए और राज्यों ने भी प्रिकॉशन लिए, सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की और किसानों ने भी परिश्रम किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि 12% बारिश कम हुई औसतन, 5 साल के औसतन, फिर भी सिर्फ 2% बुआई में कमी आई और 3% उत्पादन में कमी आई। एक कमी चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जहां अकाल पड़ेगा 12% कम बारिश तो ये परिश्रम का परिणाम हुआ और हम सब लोगों ने मिलकर उसकी चिंता की। ऐसा नहीं कि मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूं, बल्कि अभी कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार थी या यहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है या कहीं बीजेपी की सरकार है, सभी सरकार और कृषि के अधिकारियों ने और किसानों के मेहनत का वो परिणाम हुआ। फिर आज जो स्थिति आई है, हम सबको पता है कि जब आपदा आती है तो आपदा जब आती है गांव में, पंचायत में, तो उस पंचायत में भी अवसर होते हैं, राज्यों में अलग अलग नाम होते होंगे, हमारे यहाँ पंचायत सचिव है, कहीं तहसीलदार होगा, फिर अंचल तहसील और ब्लॉक लेवल पर भी अधिकारी होते हैं। तो आपदा जब आती है, ओलावृष्टि हुआ, बाढ़ आ गई, तो दूसरे ही दिन कोई भी राज्य सरकार का मुख्यमंत्री है, मुख्य सचिव है, वो कलेक्टर को फोन करता है, कलेक्टर फिर नीचे के अधिकारी को फोन करता है और फोन पर जानकारी लेता है, तो उस समय अंदाज पर ही लोग बताते हैं और फिर राज्यों के अंदर केंद्र सरकार के अधिकारी बात करते हैं, तो टेलीफोनिक अंदाज पर अपनी जानकारी देते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है।
अभी 180 लाख हेक्टेयर का नुकसान यदि हमारे मंत्रालय ने बोला तो किसी राज्य में कांग्रेस का राज होगा, किसी में बीजेपी का राज होगा। इसमें राजनीति नहीं है, वहां के अधिकारियों ने बताया कि मेरे यहां एक अनुमान है। फिर उसके बाद जब दूसरा आकलन बताया कि 106 लाख हेक्टेयर का नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश का जो पहले आकलन बताया था उसमें काफी कमी आई। फिर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उस दिन राजस्थान ने जो बहुत ज्यादा बताया था उसने कम बताया, तो 80 लाख हेक्टेयर पर आया। और आज जब मैं खड़ा हूं और तीन राज्यों से टीम लौट कर आई है, तो आज मैं कह सकता हूं कि 93.81 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी तीन राज्यों में टीम गई है, कुछ व्यवस्था को समझना ही पड़ेगा। उसके समझे बिना हम अपनी बातों को ठीक से न जनता के बीच रख सकते हैं, न सदन में रख सकते हैं। तो तीन राज्यों से जो टीम लौट कर आई है, और न राज्यों में अभी टीम नहीं गई है क्योंकि उनका स्मार पत्र नहीं आया है, तो ये अंतिम आकलन तब होता है जब सबके रिपोर्ट सबमिट हो जाते हैं, तब असली आंकड़ा आता है पूरे प्रभावित का। फिर उसमें 50% कितना प्रभावित हुआ, अब 33%। अब उत्तर प्रदेश से टीम लौट के आई, वहां से आकलन दिया, अब 50% के आधार पर दिया है, अब वहां 33% के आधार पर अभी कागज आना बाकी है। कल रात में माननीय नीतीश कुमार जी ने फोन किया कि हमने अपना आंकड़ा बनाकर भेज तो दिया है, लेकिन अब 33% के आधार पर बनाकर भेजना पड़ेगा। मैं इसकी चर्चा निर्दोष भाव से कर रहा हूं, राहुल जी ने जो कहा उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। या तो पूरे प्रक्रिया की जानकारी किसी ने ठीक से नहीं दी होगी, इसलिए सीधे हमको कटघरा में खड़ा कर दिया, कृषि मंत्रालय को कटघरा में खड़ा कर दिया। और आप अगर पूरी बात इतनी सारी रामायण पढ़ने के बाद यदि सीता किसकी पत्नी है ये सवाल यदि खड़ा करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। देखो भाई, सारी रामायण यदि कोई अब बता दे हमको और फिर उसके बाद कहे जो सीता किसकी पत्नी है, तब कोई संकट का विषय हो जाए। देखो भाई, देखो 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा 106 लाख हेक्टेयर, उनका वक्तव्य गलत था। जो नहीं, अरे राज्यों से जो बताता इस पूरी पर आया ना मंत्री जी, आपने भाया ना, उनका वक्तव्य गलत था, उनका वक्तव्य गलत था, हाया ना, आप कोई मत बोलो। अरे बच्चे हैं, किसान नहीं है, इनको समझदारी नहीं है, आपको तो समझा लेते समझा ले। मैं पुनः उस प्रक्रिया में बतलाकर समय इसलिए नहीं लगाना चाहता हूं कि मुझको लगता है कि आपको छोड़कर या एक दो लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग इसको समझ गए होंगे। तीन लोग नहीं समझे, चार लोग नहीं तो नहीं समझे। अच्छा रुकिए, मैं फिर इनको समझाता हूं, मैं फिर आपको समझाता हूँ। रमेश जी, रमेश जी आप बोल रहे हो सही था, वो जो अनुमान बताया था, जो अनुमान बताया था प्रधानमंत्री जी ने, मैंने, और आज भी जो मैं बता रहा हूं राज्यों के रिपोर्ट पर, ये सारे अनुमान सही हैं, और अंतिम अनुमान जो आएगा वो अंतिम सही होगा। देखो देखो भाई, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं, ये देखो किसान क्रिकेट, ये सारे अनुमान जो राज्य बताते हैं उस समय तो वही सही होगा जो राज्य अनुमान बताते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो मैं बता रहा हूं राज्यों के मुताबिक 93 लाख हेक्टेयर आज के तारीख में जो राज्य बताया है, आप सुनो तो भाई। सिंधिया जी, आपके जोर से बोल के आपके सर सर अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, आप डिस्टर्ब कर रहे,
आप में से कोई मत बोलो भाई। प्लीज प्लीज एड्रेस चेयर, प्लीज एड्रेस चेयर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि राज्यों के द्वारा जो अनुमानित आंकड़े आते हैं, जिस दिन जो आंकड़ा आएगा हम प्रेस को और सदन को ही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, गलत नहीं बता सकते। लेकिन मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि अंतिम आंकड़ा जब सब जगह से टीम आएगी, लौट के आएगी, तब वास्तविक अनुमान होगा। ये वास्तविक अनुमान नहीं है, ये मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। अब महोदय, हमारे माननीय वेंकैया जी ने अरे भाई का है तो आप लोग बोलते हो। अरे इनके पिताजी भी उनके पिताजी के समय भी मैं लोकसभा में था और इनके साथ भी बहस कर रहे हैं, कोई हरज नहीं है। लोकतंत्र है, बोलने दो भाई, लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है। आप इनको संतुष्ट करने के चक्कर में तो दूसरा कि If you interfere and nothing will want record, please don't waste time. महोदय, जब afterwards you write whatever you want. जब आपदा आती है, पर जयप्रकाश, रुको भाई, आप प्लीज, ये मिनिस्टर यू महोदय, जब जब देयर इज अ लिमिट। मिनिस्टर रिप्लाई, इफ एट ऑल एनीथिंग यू वांट टू राइज आफ्टरवर्ड्स राइज इट, आई विल अलाउ यू। नो 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 यस नो या नो नो दैट इज नॉट दैट नो नो प्लीज प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, लेट द मिनिस्टर रिप्लाई, लेट द मिनिस्टर कंप्लीट हिज रिप्लाई, आफ्टरवर्ड्स यू राइज व्हाटएवर यू वांट, आई विल अलाउ यू, प्लीज दैट इज ऑल। नो नो आई डोंट कमेंट मिनिस्टर प्लीज। महोदय आप सुनो, नो यू वांट इज रिप्लाई ऑर नॉट प्लीज, यू आफ्टरवर्ड्स आई विल अलाउ यू। महोदय महोदय, मैं माननीय सदस्यों से एक विनती करना चाहूंगा, प्लीज माननीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, भले सिंधिया जी राहुल जी को ना पता हो लेकिन बाकी सदस्यों को पता होगा कि मेरी बात सुन लो, आपको अधिकार नहीं है। कल अक्षय तृतीया है और कल देश के किसान अपना हल बैल ले जाएंगे खेत में, उसकी पूजा करेंगे, खरीफ की कल से बुआई शुरू होगी, बीज डालेंगे हल के फल पर और पूजा करके खरीफ के फसल की बुआई शुरू करेंगे। ऐसे अवसर के पूर्व संध्या में हम सब बैठे हैं, मेरी विनती होगी कि किसान के हितों की हम चर्चा जरूर करें, उसको राजनीतिक मोड़ नहीं दें। महोदय, हमारे वेंकैया जी ने बताया कि किस प्रकार से किसानों के राहत में हमने बढ़ोतरी की है। जो सबसे बड़ा काम इस सरकार ने किया है कि अभी तक एक हेक्टेयर फसल का जो नुकसान होता था उसी को हम राहत देते थे, 50% तक को देते ही थे, लेकिन एक हेक्टेयर तक जिसका नुकसान होता था 2.5 एकड़ तक उसी को देते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है और वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है कि 2 हेक्टेयर तक यानी 5 एकड़ तक जिसका नुकसान हुआ है उसको भी हम राहत देंगे। अब इससे बड़ी किसान की चिंता क्या हो सकती, किसान नेता भी समझना होगा। महोदय, जो लोग किसान के हितों की चर्चा करते हैं, अतिवृष्टि
ये राष्ट्रीय आपदा के अंदर नहीं है, आज से नहीं, 10 वर्षों से नहीं है, जब से शुरू हुआ तब। और लगातार इस सदन में अपने भाषण में भी सब लोग मांग करते रहे कि अतिवृष्टि को राष्ट्रीय आपदा में शामिल किया जाए, और अतिवृष्टि से भी नुकसान होता है। पहली बार किसी सरकार ने कहा राज्यों को कि तुम्हारे पास SDRF की जितनी राशि है, जो 75% हम देते हैं, उसमें से 10% राशि अतिवृष्टि को भी राष्ट्रीय आपदा मानकर और उसको NDRF के नॉर्म्स के मुताबिक उसकी मदद। महोदय, मैं ये भी सदन को बताना चाहता हूं कि SDRF जो है, एसडीआरएफ के तहत सरकार ने 14-15 में 5,629 करोड़ रुपया तो दिए ही थे राज्य सरकारों को, लेकिन NDRF से भी हमने 3,460 करोड़ रुपया राज्यों को दिए। जब आपदा आती है तो हम में से सब लोगों को पता होगा कि जिला के अंदर भी आकस्मिक निधि होती है, राज्यों के पास आकस्मिक निधि होता है और राज्य के पास SDRF का फंड होता है। जिस दिन ये आपदा जो अंतिम 14-15 की रात्रि में जो हुआ था, 16 तारीख को सभी मुख्य सचिवों से हमारी बात हुई है, कई मुख्यमंत्रियों से बात हुई है और हमने पत्र जारी किया कि SDRF से आप सहायता शुरू कर दें, और कहीं अभी SDRF नहीं है तो कंटिजेंसी फंड है, उससे आप सहायता जारी करिए। और मुझे खुशी है, मैं हिमाचल गया था, कांग्रेस की सरकार है और कहने में हमको कोई हिचक नहीं है कि उन्होंने राहत शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र की सरकार, वहां की सरकार मेरे साथ, सरकार के मंत्री 3-3 गए थे, मुख्यमंत्री पंचायत में खड़ा होकर, उस समय NDRF का नॉर्म्स था कि हॉर्टिकल्चर में यदि नुकसान होता है तो प्रति एकड़ 12,000 रुपया दिया जाएगा, वहां की सरकार ने 13,000 रुपया अपने मत से निकालकर 25,000 रुपया दे रहा था। अब NDRF से पैसा यहां तब जाता है जब उसका पूरा आकलन होता है, जब मेमोरेंडम आता है, टीम जाता है। हमारे मित्र बता रहे थे कि यहां से टीम गई और महाराष्ट्र में पूरा नहीं घूमा। मैं महाराष्ट्र को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र या किसी सरकार में जब यहां का जो हमारा टीम जाता है तो राज्य सरकार जितना घुमाएगी उतना ही घूमेगी, उससे ज्यादा घूमने की उसकी स्थिति नहीं बनती है। सवारी है राज्य सरकार का, जहां ठहराता है वो राज्य सरकार। लेकिन महाराष्ट्र में मैं गया था और उसके बाद महाराष्ट्र में आज तक जब जब भी आफत आया है, 500-600 करोड़ से कभी आपको ज्यादा नहीं मिला है। पहली बार जो सूखा आया था, 2,000 करोड़ रुपये महाराष्ट्र को मिला है, पहली बार मिला है महाराष्ट्र के लोगों को। तो ये जो NDRF के नॉर्म्स है उसमें SDRF और कंटिजेंसी प्लान से राज्य सरकार पैसे देती है, और ये जो 15-16 है इसमें सर मैं बताना चाहूंगा, SDRF में जितने पैसे राज्यों को दिया था ठीक उसके दुगुना, पिछले बार के आवंटन से इस बार दुगुना आवंटन राज्यों को दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि दुगुना आवंटन हो रहा है, 14-15 में जितना था उसका दुगुना आवंटन हो रहा है, और 3 राज्य ऐसे हैं जिनके स्मारक पत्र आ गए, जिनका मांग पत्र आ गया, जून के बाद 15-16 का पैसा जाना चाहिए था फर्स्ट एडवांसमेंट 1 जून के बाद, लेकिन 3 राज्यों ने पत्र भेजा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, तो 2 के तो परसों तरसों गए थे और उत्तर प्रदेश की राशि आज गई है। एक जो व्यवस्था बनाई है आपने, जिस व्यवस्था के अनुसार आपने 10 वर्षों तक देश को क्या किया ये मैं बताना नहीं चाहता हूं, नहीं तो फिर खड़े आप हो जाएंगे, लेकिन उसी व्यवस्था के तहत हम जो करना चाहते हैं कर रहे हैं, आप जैसे चाहते थे वो कैसे करते थे, हम जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। यानी आपकी जो बुद्धि थी वो आपने अप्लाई किया, हमारी बुद्धि थी कि अतिवृष्टि को भी आपदा में लाया जाए, हमारी बुद्धि थी कि 33% नुकसान हो उसको भी दिया जाए, हमारी बुद्धि थी। आप हिमाचल का वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं, आपके कृषि मंत्री बैठे हैं, रिवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं, और रिवेन्यू मिनिस्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि पहली बार आपदा के बाद कोई मंत्री आया है, नहीं तो 10 दिन के बाद कोई अधिकारी आता था। ये आपके पंजाब हिमाचल रिकॉर्डिंग आप देखिए, और देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ जी, गडकरी जी, हमारे बलियान जी गए हैं, अरुण जेटली जी, हमारे गिरिराज सिंह जी,
राजस्थान के गांव में घूमे हैं, और मैं तो आपदा के ठीक दूसरे दिन महाराष्ट्र के 12 गांव में गया था। अब ये मैं नहीं कहता कि आपको भी ये करना चाहिए था, ये मैं नहीं कह रहा हूं आपको भी करना चाहिए था, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने इस काम को किया है, और ये सब जो किया है आपके आपके खाते में भले गिनती नहीं हो, लेकिन देश के जो किसान है उसके खाते में हमारी गिनती हो रही है। महोदय, आत्महत्या की बात कई मित्रों ने उठाई है। अब ये जो आत्महत्या होते हैं देश के अंदर, इसका रिकॉर्ड आता है नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में, और कृषि कारणों से कितने लोगों ने आत्महत्या की ये राज्य सरकार पत्र देके कृषि मंत्रालय को बताता है। मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र है, सभी राज्य सरकारों का पत्र है, और सबने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक आप देखेंगे कि 2015 में कृषि कारणों से हुई आत्महत्या की सूचना अभी तक 8 राज्यों पंजाब, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। जो चिट्ठी इसमें महाराष्ट्र को छोड़कर उपरोक्त सभी राज्यों ने बताया है कि अकस्मात वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान के कारण किसी किसान द्वारा आत्महत्या की सूचना नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता, लेकिन पत्र राज्य सरकारों के हैं। मैं बता रहा हूं कि यहां के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का पत्र है, और अगर सुनिए पूरा सुनिए, और महाराष्ट्र द्वारा दी गई सूचना कि अकस्मात वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण आत्महत्या की संख्या 3 है। अभी जो हमने पत्र दिया था कि आप अरे भाई उत्तर प्रदेश का आप नहीं देख रहे हैं, अखबार में डेली 100 निकल रहा है। मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय है मेरा विषय है कि राज्य सरकारों ने पत्र भेजे। मेरा एक ही प्रश्न है कि आप मंत्री जी आज कह रहे हैं कि देश में आत्महत्या किसान ने नहीं किया है, क्या ये कह रहे हैं? मैं कृषि के संबंध आपकी सरकार ने लिखकर भेजा है, कृषि के संबंधित आत्महत्या क्या नहीं हुए हैं पूरे देश में? क्या ये कह रहे हैं सदन के पटल पर कह रहे हैं कि देश में आत्महत्या किसान ने कृषि के साथ संबंधित आज तक नहीं हुआ है पिछले 10 महीने में? अगर यही के सरकार ने लिख के दिया है पत्र, महोदय आत्महत्या चाहे जिस भी कारण से हो अच्छी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे अच्छी बात नहीं है आत्महत्या देश के लिए, हम सब लोग के लिए शर्मनाक विषय है। उसमें आप देखिए कि 2012 में 1046 आप अपनी डफली बजा के अपने सुनते रहो। क्या है रिपोर्ट जो आया है वो अच्छी गलत है, जो सरकारों ने रिपोर्ट दिया है वो विश्वसनीय नहीं लग रहा है। ये जो पत्र है आपकी सरकार या मेरी सरकार किसी ने जो भेजा है वो बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। महोदय मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि आत्महत्या यदि एक भी व्यक्ति करता है तो चिंता का विषय है। अगर हम 13 की बात करें तो 13 में 11,000 कुछ लोगों ने देश में आत्महत्या की, और राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक 870 किसानों ने कृषि कारणों से किया, यानी 10%। 100 में 10 किसान कृषि कारणों से, 90 किसान दूसरे कारणों से। चाहे कारण जो भी हो चिंता का विषय है, और हम सबको मिलकर राज्यों के अंदर ऐसी स्थिति निर्माण करनी चाहिए कि इस पर रुक लगे। मेरा विषय सुनिए, लेकिन आखिर मैं वही बता रहा हूं। अब महाराष्ट्र पर मैं आ रहा हूं, आप मैं महाराष्ट्र पर आ रहा हूं कि अब महाराष्ट्र के अब देखिए कि 12 में 1046 जो आत्महत्या देश में कृषि कारणों से हुई उसमें 732,
13 में 889 जो हुआ उसमें 665, और 14 में 1357 जो आत्महत्या कृषि कारणों से हुई उसमें 1207। अभी महाराष्ट्र के अंदर क्यों हो रहा है इतना, जबकि जबकि पिछले 10 वर्ष के अंदर, पिछले 10 वर्ष के अंदर 2003 में विदर्भ विकास के लिए 763 करोड़, 2005 में किसान आत्महत्या रोकने के लिए 1075 करोड़, 2006 में धैर्य के साथ सुनते रहिए प्रधानमंत्री ने, ये सब आप लोगों ने दिया है, आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, 3750 करोड़ रुपये, इसी साल मराठवाड़ा में विकास एवं सूबे की तिजोरी से 3500 करोड़, पूरा मैं पढ़ूंगा कि इतने सारे रुपये गए, इतने सारे रुपये गए, और परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ महाराष्ट्र का, आप जरा समझिए, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये मेरे आंकड़े नहीं है, मेरे आंकड़े नहीं है, तो किताब लाइए, तो ये मेरे आंकड़े नहीं है। और इतना जाने के बाद सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए, और इतना जाने के बाद हालत क्या है, हालत क्या है कि अभी इस देश के अंदर 48% असिंचित भूमि है एवरेज देश में, तो महाराष्ट्र में 16% है, 16% है, और सिंचित भूमि पूरे देश में 48.3% है, तो महाराष्ट्र में 16.8% और पंजाब में 98.1%। 60-70 हजार करोड़ रुपया महाराष्ट्र में गए पिछले 10 वर्षों में सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए, और वहां 16%, और इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान, रुको भाई रुको, इसका नुकसान क्या होता है कि इसके कारण जो उत्पादकता है अभी पूरे देश का 1.9 टन पर हेक्टेयर है और पंजाब का 4.2, तो महाराष्ट्र कहां है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं, सब आपके कार्यकाल के बीच की ही बात है, चिंता करिए, तो ऐसे राज्यों में अभी इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या होती है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, आज की व्यवस्था वहां है वो जिम्मेवार नहीं है। लेकिन हम सबको मिल बैठकर इसकी चिंता करनी चाहिए, हम सबको मिलकर इसकी चिंता करनी चाहिए। रुको रुको, मेरे साल में किसी लोगों, इससे साल में कितने लोगों ने आत्महत्या की है, आखिर यह विषय नहीं है, 70,000 करोड़ रुपये खर्चा होने के बाद उपाध्यक्ष, सिंचाई सिंचित भूमि नहीं बढ़ी, आत्मचिंतन यह राजनीति का विषय नहीं है, और आने जो नई सरकार आई है अब यही रवैया रहेगा तो उसकी भी वही दशा होगी जो आप लोगों की हुई, इसलिए आत्मचिंतन का, आत्मचिंतन की जरूरत है। मित्रों, ये न्यूनतम समर्थन की बात हो रही थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चा हुड्डा साहब ने भी जो कुछ किया कहा था शायद वही कॉपी आपने इनको दे दिया था, तो आपने जो चिंता की थी आपके आपके है उस दिन के भाषण, ये समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य 2-3 अवसर को अभी छोड़ दे तो पिछले 10 वर्षों में या हम 10 महीने में जो आयोग की ओर से आया उसको हमने किया, अब 10 साल में आपने बताया कि इतना 100 बढ़ा दिया, और 10 महीने का भी बोलते हैं, ये आंकड़ा गले के नीचे नहीं जाने वाला। देखो भाई, मेरा 10 महीना हुआ, आप 10 साल, और आप 10 साल के जोड़ के बताते हो कि 500 बढ़ा, लेकिन इस पर सुनो भाई, देखो मैं अभी बोल रहा हूं, राहुल जी ने थोक भाव में जो बताया, माननीय राहुल जी ने जो थोक भाव में बताया कि 500 बढ़ा 700 बढ़ा इतना दिन में 10 साल में, तो मैं उस पर बोल रहा हूं। मित्रों, ये जो ऋण प्रवाह की बात है, ऋण प्रवाह की चर्चा
हमारे सम्माननीय नेताओं ने की है और ये चर्चा माननीय हुड्डा जी ने भी की थी। मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार इस समय जो पहले से ही 7% पर 3 लाख रुपए की मूल धनराशि तक फसल ऋण मुहैया करा रही है। इसके अलावा ऐसे किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 3% ब्याज छूट मुहैया करा रही है, जो पहले से चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने किया। इसके जो अपने फसल ऋणों के मामले पर भुगतान कर देते हैं समय पर, उनको 4% की छूट दी जाती है और 1 लाख रुपए तक के ऋण में किसी को जमानत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जानकर हम सब लोगों को निश्चित रूप से प्रसन्नता होनी चाहिए कि ऋण प्रवाह तेज हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। ये आपको 10-11-12 में कुल 5,27,000 करोड़ रुपया दिया गया, जो बढ़कर 13-14 में 7,11,621 करोड़ हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमने किया, मैं ये बता रहा हूं कि तेज हुआ है, कम नहीं हुआ है। 14-15 में 8,000 करोड़ रुपया हुआ और 8 लाख करोड़, और ये 15-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। हमारे एक माननीय सदस्य केरल के उन्होंने एक बात कही है कि वहां कोई पत्र चला गया है कि जून तक, तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, इसमें 15-16 में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन पहले से जो चल रहा है जून तक का है, और सर्कुलर में और कोई निर्देश आगे जारी होना होगा जो उस जून के पहले जारी होगा, और अगले बजट में 13,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा गया है, जो लगता है आपको कि बंद हो गया। 31 वो जून तक उसका डेट है, आगे का निर्देश फिर जाएगा, और 13,000 करोड़ रुपया बजट को आपने पूरा पढ़ा होगा, पढ़ लिया होता तो कंफ्यूजन आपको नहीं होता, क्योंकि नया निर्देश उसके बाद जारी होना है। अब कृषि बीमा पर बहुत चर्चा है। कंटिन्यू। अब कृषि बीमा पर बहुत चर्चा हुई है, और वास्तव में ये जो SDRF है, NDRF है, ये रिलीफ है, ये मुआवजा नहीं है। हमें चिंता करनी चाहिए मुआवजा की, तो इस देश में इसकी चिंता राजनाथ जी ने जरूर की थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कृषि आमदनी बीमा योजना। लेकिन हम उस समय लोकसभा में थे, अंतिम समय का वो मामला था, जिससे अंतिम समय भूमि सुधार वाला आप लोगों का था, वो उसी प्रकार से वो मामला फिर आगे बढ़ा नहीं, लेकिन 15-20 जिलों को उसमें लिया गया था। और जब नई सरकार आई तो फिर चूंकि पुरानी सरकार करती है तो एक स्वभाव बना हुआ है, उसके कारण वो योजना जहां की तहां रह गई। अपने देश में कृषि बीमा योजना एक है, लेकिन जब हम सरकार में आए तो उसके पहले मॉडिफाइड कृषि बीमा योजना। अब पहले जो कृषि बीमा योजना थी तो एक बीमा कंपनी, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, और वो किसानों का बीमा करना, किसान और उसमें जो इंश्योरेंस का उसका जो अंश है वो बहुत कम होता था, किसान भी कुछ देते थे और राज्य सरकार और भारत सरकार भी, लेकिन जो नुकसान होता था उसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों 50-50 देती थी। मॉडिफाइड बीमा योजना जो आया, इसमें अन्य कई कंपनियां आई, विदेशी कंपनी भी आई, और प्रीमियम की राशि बढ़ा दी गई, लागू तो कर दिया गया है। लेकिन जब हम सरकार में आए तो सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा जे भाई नई मॉडिफाइड को हम लागू नहीं कर सकते, तो हमने छूट दी, क्योंकि कुछ राज्य इसको शुरू कर चुके थे कि आप दोनों में जिसकी इच्छा हो कोई करे, और एक फसल बीमा योजना भी, मौसम आधारित बीमा योजना भी चल रही है। लेकिन हमने घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष में हम एक नई बीमा योजना लाएंगे, आमदनी बीमा योजना। इसमें इस बीमा में तो जो उत्पादन का नुकसान होता है उसकी भरपाई करते हैं, और वो भी ठीक से नहीं करते।
हम जब मंत्री बने जलगांव के 200 किसान आ गए, उनका नुकसान हुआ 12 में, और वहां जो उसने यंत्र लगाया, वो जो यंत्र लगाया और उसकी मैपिंग पूरी नहीं हुई, तो मिनिस्टर, प्लीज एड्रेस द चेयर। तो परिस्थिति में हमने घोषणा की कि एक नई बाग नई फसल नई आमदनी बीमा योजना, और इसके लिए मैं इस बात को विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि हमारे माननीय संसद सदस्य के भी ध्यान में बात आ जाए। मैं इसको राजनीतिक भाव से नहीं बता रहा हूं। तो 4 बैठकें हमने ली, आज सभी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, और उसके बाद मुख्यमंत्रियों ने भी अपने, और अंतिम दिन 31 मार्च के पहले सभी राज्यों के कृषि मंत्री और कृषि सचिव बैठे थे। तो सभी कृषि मंत्रियों ने और एक मत से जो सुझाव दिए, अरे ये सुनोगे तो कुछ महोदय, उसमें राज्य सरकारों ने सुझाव दिया और सबकी सहमति बन गई, और उसको हम इस वित्तीय वर्ष में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने वाले हैं। लेकिन उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने प्रस्ताव लाया, सर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पेशेंटली हियर, हम तो इतना गंभीरता से उनकी बात सुन रहे हैं, कभी हम इंटरफेयर उसमें किए नहीं, लेकिन हम ये चाहते थे कि वो कंपेंसेशन कितना देंगे। एक तो आंकड़े का इतना फर्क है कि प्राइम मिनिस्टर का एक आंकड़ा, कृषि मंत्री का एक आंकड़ा, स्टेट के चीफ मिनिस्टर से आए हुए आंकड़े अलग, ऐसे 3-4 आंकड़े उनके पास है। किस आंकड़े के तहत वो कंपेंसेशन तय किए हैं और पर एकड़ कितना देने वाले हैं, और नेशनल कैलामिटी के अंदर वो फंड से कुछ देने वाले हैं क्या, और उसके बारे में नहीं बोले। उनको बात को मैं मानता हूं, इसके पहले भी जब राजनाथ सिंह जी एक प्रश्न चला था, लेकिन हम यहाँ से उस वक्त फुट फॉरवर्ड आपको मालूम है, दूसरे चीजों में भी लेके, लेकिन वो विषय पे वो डिबेट कर रहे हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ। अरे हम ये चाहते हैं आज आप क्या कर रहे हैं, मैं सब बताऊंगा, आप घर के साथ रहिए, मैं सब बताऊंगा, आप मैं सब बताऊंगा, आप घर से बैठिए, मैं सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। राइट महोदय, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, यूपी के चीफ सेक्रेटरी पद पर दीजिए एक्सपोर्ट के लिए, उनको एक्सपोर्ट करिए, उनको एक्सपोर्ट, आप बैठते तो फायदा हो। आप शांत रहो, आप शांति रहिए, आप सबको जानकारी मिल गई। सर महोदय,
एक कृषि बीमा योजना, कृषि बीमा योजना, नई कृषि बीमा योजना इसी वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करने वाले हैं और राज्यों ने भी सर्वसम्मति तय किया था उस बैठक में। उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने प्रस्ताव लाया था कि राज्य भी अपनी बीमा योजना लाए। लेकिन मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो राज्य सरकारें हैं वो तय करती है कि कौन सी बीमा कंपनी उनके राज्य में किसानों का बीमा तय करेगी, फिर राज्य सरकार तय करती है कि उसके राज्य में किन किन फसलों का बीमा होगा, फिर राज्य सरकार यह तय करती है कि जांच का लेवलिंग क्या रहे, ब्लॉक रहे, तहसील रहे या पंचायत रहे। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई दूंगा कि वो पंचायत लेवल पर मैकिंग करता है जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं करता है, जिससे किसानों का नुकसान होता है। हम राज्य सरकारों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि आप नीचे की इकाई तक मैपिंग करिए। हमको जिसमें अंश देना पड़ता है उतना हम देने के लिए तैयार हैं, देते, और जो 14-15 का जितना अंश है वो सब हमने दिया है बीमा का, सभी राज्यों का दिया है। और जो पंचवर्षीय योजना में हमारा आपको 73,000 करोड़ रुपया इसमें के लिए जो खर्चा करने का है, और इस प्रकार से किसी भी राज्य में हमारा अंश 14-15 का बाकी नहीं है। और 15-16 में भी जिस समय वो सर्वे कराए, हम राज्य सरकार को लगातार और बीमा कंपनियों को कह रहे हैं कि जल्दी सर्वे करो और ये बताओ कि हमको कितना अंश उसमें देना है, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। भले हमें खजाना खाली मिला हो, लेकिन कोयला घोटाले में जो 1,76,000 का घोटाला हुआ था, 20 कोयला खदान को नीलाम करके 2,00,000 करोड़ रुपया हमारे खजाने में प्रधानमंत्री ने जमा किया है। हम कमी नहीं होने देंगे, हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और किसान पर जो संकट है उसकी रक्षा कैसे होगी जब उसके खेतों में अधिक उत्पादन होगा, और अधिक उत्पादन तब होगा जब उसके खेत को पानी मिलेगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के किसानों को बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद 60 वर्षों तक जिन लोगों ने देश पर शासन किया, किसान के खेत की चिंता नहीं की। ये हिंदुस्तान है, इटली नहीं है, यहाँ 125 करोड़ देशवासी हैं। जब तक हर खेत को काम नहीं मिलेगा तब तक हर हाथ को पानी नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इस मद में मेरे मंत्रालय द्वारा कभी 20 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 150 करोड़, पहली बार प्रधानमंत्री जी ने पूरे सिंचाई योजना के लिए तो 5,300 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन सिर्फ कृषि मंत्रालय के द्वारा छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके लिए 1,800 करोड़ रुपया दिया है। और राज्यों के माध्यम से हमने परिपत्र उसको जारी कर अब करेंगे, पैसे का आवंटन कर रहे हैं। और जब तक हर खेत पर पानी नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार सुख चैन से नहीं बैठने वाली है। लेकिन हाँ, इसमें राज्य सरकार कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है, इससे हमारे परिणाम का प्रगतिकरण होगा। महोदय, ये जो लोग बात करते हैं किसान की, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजादी के 67 वर्ष बाद क्या हमने चिंता की देश की मिट्टी की? हमने मिट्टी को तो सिर्फ मिट्टी समझा, पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने देश की मिट्टी को अपनी माँ के रूप में समझने का और देश की जनता के सामने आह्वान किया कि भारत के अंदर जो हमारी मिट्टी है सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, वो हमारी भारत माता है, उसके गोद में हम खेलते हैं, पलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, और हमारी माँ बीमार है, और जब तक किसी की माँ बीमार रहेगी उसके बेटे सुख चैन से नहीं रह सकते। इसलिए देश के किसानों को यदि संपन्न बनाना है तो हमारी जो धरती माता है उसको स्वस्थ बनाना पड़ेगा। अब इस ये योजना देश में शुरू हुई 7-8 में, सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, और जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम लोग सरकार में आए तो उस समय तक 110 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए गए, वो भी किस किस काम में, उसी 110 करोड़ में लेबोरेटरी बनाना, कहीं कहीं कुछ सॉयल हेल्थ कार्ड बन जाना, और कहीं कहीं जैविक खेती में उसमें पैसा। लेकिन जब सरकार में आए तो प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए अलग से 86 करोड़ रुपया का आवंटन किया और कहा जब पता लगा कि देश के अंदर कितने किसान हैं, कितनी जोत है, 6 महीने तक मेहनत करके जो आंकड़े आए, देश के 14 करोड़ किसान जिसके पास जोत है, जमीन है, उसका सबका सॉयल हेल्थ कार्ड मिले,
अब एक कार्ड की छपाई में कितना पैसा लगेगा, मिट्टी खोदने में कितना पैसा लगेगा, लेबोरेटरी के लिए कितना पैसा लगेगा, कुल जब हमारे मंत्रालय ने बताया कि 567 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने तुरंत निर्देश दिया और 568 करोड़ का आवंटन प्राप्त हो चुका है। जब तक हमारी धरती माता स्वस्थ नहीं होगी तब तक किसान स्वस्थ नहीं रह सकता, संपन्न नहीं रह सकता। और 2017 के अंत तक हम हिंदुस्तान के सब किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड निश्चित रूप से हम मुहैया कराने वाले। आज़ादी के इतने दिनों तक हिंदुस्तान के अंदर ये जो मार्केटिंग सिस्टम है, ये जो मंडी है, मंडी कानून है, दिल्ली में तो हमेशा प्याज और आलू के दाम बढ़ते थे, मंडी कानून राज्य बनाती है, लेकिन दिल्ली में संयोग से उस समय राष्ट्रपति शासन लागू था, मंडी कानून से फल और सब्जियों को अलग किया, 40 से ऊपर भाव नहीं गया, राज्य सरकारों से आग्रह किया कि इसको मंडी कानून से मुक्त करो, किसान को आजाद करो, जहां उसको मार्केट मिले वहां जाए, उसको अच्छा दाम मिले। तो लगभग 12-13 राज्यों ने इसको मानना स्वीकार किया और अपने राज्य में लागू किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसी वर्ष एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए में 100 करोड़ रुपया दिया कि राज्यों के अंदर जो मार्केट है उसको ई कनेक्टिविटी चाहिए, और उस दिशा में हमारा काम शुरू हुआ। और इस वर्ष राष्ट्रीय मंडी मतलब पूरे देश का जो मार्केट है किसानों के लिए खुला रहे, किसानों खरीदारों को पूरे राज्य में व्यापार करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत से मुक्ति दिलाना तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के खरीदार से जोड़ना, कृषि उपज के विपणन में आने वाली अनेकानेक बाधाओं तथा समस्याओं को दूर कर देश के हर कोने में बाधा रहित आंतरिक कृषि व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देना, किसान को अपनी उपज अपनी पसंद के स्थान एवं खरीदार को बेचने के लिए वास्तव में अधिकार देना, राज्य के अंदर तथा राज्यों के बीच मार्केट के विखंडन को समाप्त करना, राष्ट्रीय एकीकृत मंडी के विकास के लिए मंत्रालय हमारा जब एक साल पूरा होगा तो इसी बीच में हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाले हैं जो पूरे देश को मार्केट में जोड़ सके। बिहार के नेता चले गए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मार्केटिंग ही नहीं, मार्केट नाम की कोई चिड़िया नहीं है, और लगातार कोशिश की जा रही है, समझाया जा रहा है, बैठ के चार चार हो सकी, लेकिन बिहार इसके लिए रास्ते पर नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है ताकि किसानों के लिए पूरे देश में खुला मार्केट मिले और सब किसान को उचित मूल्य मिले। इसी प्रकार से चर्चा हरित क्रांति की नेताजी कर रहे थे, नेताजी जब हरित क्रांति की चिंता कर रहे थे तो मुझे चिंता हो रही थी कि उनको पता नहीं है हरित क्रांति दो, पहली हरित क्रांति शुरू हुई और अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ, उत्पादन में वृद्धि तो हुई लेकिन उसके परिणाम एक दो साल से आने लगे। मैं करुणाकरण जी को बधाई दूंगा, इन्होंने जो भाषण किया था बड़ी ईमानदारी से भाषण किया था और अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि 3-4 वर्षों से देश में जो नीतियां चली है उसका दुष्परिणाम है। आप पूरे भाषण को हो सकता है धोखा से कहा गया हो, आपके दल के लोग फिर आप पर नाराज हो, लेकिन आपने ईमानदारी की बात की थी कि जो नीतियां देश में बनती है उसके ये परिणाम होते हैं। तो अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग संतुलित प्रयोग नहीं, और इसीलिए सॉयल हेल्थ कार्ड की जहां व्यवस्था हम देश में कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर जैविक खेती। अब जैविक खेती की हालत क्या थी कि जैविक खेती के लिए मिशन मोड में भारत सरकार की ओर से एक पैसा किसी राज्य को नहीं जाता था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या अन्य कई योजनाओं में से पैसा निकाल निकाल कर राज्य सरकार उसमें कुछ जोड़कर करती थी। तो पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने कहा जो 100 रुपये प्रति हेक्टेयर जो अन्य योजनाओं में कंपोनेंट थे उसको 300 रुपये प्रति हेक्टेयर किया और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 100 करोड़ किया। लेकिन हमने वित्त मंत्रालय में उसी समय निवेदन किया था कि परंपरागत कृषि विकास योजना जिसमें जैविक खेती को महत्व मिले, अब प्रधानमंत्री जी की जानकारी में जब ये बात आई तो इस बार 300 करोड़ रुपया इसके लिए मिला है और हिंदुस्तान के गांव में now just now 6 o'clock if the house agrees we will extend till the minister's reply and also will take up the 0 hour afterwards therefore I will after his reply
अब डिस्प्ले इज ओवर आई थिंक द हाउस विल एक्सेप्ट 45 मिनट ठीक तो हिंदुस्तान के कम से कम 1 लाख गांव में 50 किसान मिनिमम और मैक्सिमम 50 एकड़ जमीन 1 एकड़ से ज्यादा जोत किसी का नहीं और उनको 3 वर्षों के लिए हमने कुछ राशि तय की है या स्टेज वाइज और ये देश पूरे देश में हमारी ये योजना प्रारंभ होने वाली है। इसी तरह से ये जो अभी राज्यों को बजट आवंटन हो रहा है तो निश्चित रूप से उड़ीसा के हमारे प्रमुख नेता बैठे हैं वही कभी चर्चा करेंगे तो जरूर कहेंगे कि भाई इस बार जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें राशि कम की जा रही है जरूर आगे कभी बोलेंगे। तो मैं इसीलिए आज बताना चाहता हूं कि ये जो 73,000 करोड़ रुपये की का जो योजना परिव्यय जो सभी मंत्रालयों के द्वारा जो कमी हुई है इसके बदले में 1.5 लाख करोड़ रुपया अलग से जा रहा है राज्यों के पास जो राज्य योजना या केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कमी को दूर करेंगे मतलब उससे दुगुना राशि उनके पास जा रहा है। और निश्चित रूप से जैसे हम अपने भारत सरकार की योजना बनाते हैं वैसे राज्य सरकार भी अपनी योजना बनाती है और कई राज्य सरकारें अपनी योजनाओं में कृषि को महत्व देता है। मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण बताया कि वहाँ हमने अभी 12,000 प्रति हेक्टेयर किया तो उन्होंने 13,000 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर 25,000 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर दे रहे हैं। ये जो बैंकों को जो यहाँ RBI ने जो निर्देश दिया है इस आपदा के बाद कि हर राज्य के अंदर बैंकर्स एसोसिएशन की बैठक करके और पुनर्गठन किया जाए और उसके माध्यम से 1 साल की अवधि बढ़ाकर जो अगला फसल ऋण देना है तो वो भी किसान को देना शुरू करे। ये काम किया लेकिन हमने देखा कि हरियाणा की सरकार उसमें दुगुना देने का तय किया। हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि यदि हम 3% राहत देते हैं 4% सूद लेना है तो राज्य सरकार उसमें राशि डालती है और 0% पर किसानों को ब्याज देती है। तो कुल मिलाजुलाकर हमारी जो सरकार है किसान के साथ खड़ी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बात कर रहे थे कि स्मार्ट विलेज बनने की जो लोग बात कर रहे थे हम उनसे जरूर सवाल पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत भारत सरकार और निजी कंपनियां जिन्हें कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हों वे बिना सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के बिना ही हजारों हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर सकते हैं। ऐसा 2000 में किया लेकिन यदि राज्य सरकार को 1 एकड़ जमीन स्कूल अस्पताल या सड़क के लिए अधिग्रहित करना है तो इस पेचीदे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। खेती की बात कर रहे हैं किसान की बात कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि शायद इस बिल को पढ़े नहीं। हमने राहुल जी के प्रति आभार व्यक्त किया है लेकिन उस समय निवेदन करना मैं भूल गया। मैं आपके माध्यम से अपनी बिंदु उनके नजदीक तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक बार जो हम संशोधित बिल लाए हैं उसका वो अध्ययन करें और तब किसान की बात करें। छोटी एवं नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा हमों को तब फिर गांव कैसे मजबूत बनेगा। राज्य में सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण सिंचाई योजनाओं के लिए ही होता है। अभी हिंदुस्तान के अंदर 100 एकड़ जमीन है तो 0.5 या 0.8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होता है और जो भी अधिग्रहण होता है उसमें 80% सिंचाई के लिए होता है 20% ही बाकी कामों के लिए होता है। अब कैसे किसान नेता है अब हमको बड़ा आश्चर्य है। एक बार मेरी विनती उन तक जरूर पहुंच जाए कि एक बार इसको जरूर पढ़े। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब लगता है जब हरियाणा का कोई नेता उत्तर प्रदेश का कोई नेता बोलता है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो उस समय देश भर के किसान जरूर हंसते होंगे कि जिन लोगों ने हरियाणा के किसानों को लूटा उनके जमीन को कौड़ियों के भाव लेकर आज अरबपति खरबपति बने हुए हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला गाजियाबाद के इलाके में किसानों के जमीनों को कौड़ियों के भाव लूटा खेमका की आवाज पूरे देश में पहुंची थी और आज यादव सिंह के करतूत भी आज पूरे देश और दुनिया को पता है। तो जिन लोगों ने किसानों को लूटने का काम किया है
वैसे लोग आज किसान के हमदर्द होने की बात जब करते हैं तो निश्चित रूप से गांव में बैठा हुआ किसान इसको मजाक के रूप में लेता है। हमारी सरकार हमारे बता रहे थे वेंकैया नायडू, हम पूछना चाहते हैं कि जिस सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की, ये क्या कारपोरेट घरानों के लिए हुआ? ये जो प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुआ क्या ये कारपोरेट घरानों के लिए शुरू हुआ है? क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू हुआ है? क्या ये कारपोरेट घरानों के लिए हुआ है? आज तक किसी सरकार ने वैसे लोगों की चिंता नहीं की जो नौकरी में नहीं है, जो किसी सेवा में नहीं है, जो किसी सेवा में है, सर्विस में है, नौकरी में है, उनको तो पेंशन मिलता है, लेकिन वो जो किसान है बेचारा गरीब गांव में है उसको 60 वर्ष की आयु जब होता है तो उसको पेंशन नहीं मिलता है। अटल पेंशन योजना क्या देश के कारपोरेट घरानों के लिए शुरू हुआ है? लेकिन ये जो बोल रहे हैं उनका चश्मा रंगीन है, कॉरपोरेट वाला चश्मा जो आंख के ऊपर पड़ा हुआ है तो जिसके चश्मा का जैसा रंग होता है उसको पूरी दुनिया वैसे ही दिखाई देती है। पिछले 10 वर्षों तक हिंदुस्तान के चाहे कोल ब्लॉक का मामला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, कॉरपोरेट के हाथों गिरवी रखा गया था, देश ठहरा हुआ देश था, देश के लोग निराश हो चुके थे, देश में घपले घोटालों की बाढ़ आ गई थी, गांव का किसान सर पर हाथ रखकर सोच रहा था कि इस देश का क्या होगा। और किसान की बात छोड़िए, शहर के अंदर पढ़े लिखे लोग, सरकारी कार्यालयों में बैठे बड़े बड़े अधिकारी सब निराश हो चुके थे, जड़ता आ गई थी देश में। नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की जड़ता दूर हुई है, देश में गति आई हुई है, जहां एक तरफ विदेश में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है तो गांव के गरीब और किसान भी आज मानने लगे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने डंके की चोट पर कहा था और इसी सेंट्रल हॉल में कहा था, पहले दिन प्रवेश करते समय कहा था कि हमारी सरकार देश के गरीब और किसानों के लिए समर्पित है, और सिर्फ कहा भी नहीं था, अपनी योजनाओं के माध्यम से दिखा दिया है। और गांव के गरीब किसान आज मानने लगे हैं कि आजादी के 67 वर्ष बाद किसी ने यदि हमारी चिंता की तो नरेंद्र भाई मोदी। इसलिए चिंता की कि अभी तक जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं वो गरीबी के विषय में बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन देश का पहला प्रधानमंत्री मिला है जिसने गरीबी को भोगा है, और इसीलिए गरीब को समर्पित ये सरकार निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये सरकार किसान के साथ खड़ा है और किसान का भविष्य हम निश्चित संवारेंगे, उसके संकट की घड़ी में हम साथ हैं। राज्य सरकार का मेन विषय होता है, उसी के माध्यम से हमें अपनी योजनाओं को लागू करना पड़ता है। मैं देख रहा हूं कई राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है, कुछ राज्य सरकारें जिनको आदत है लूटने का, भारत सरकार के द्वारा किसानों के मदद के लिए जो कुछ जा रहा है उसको त्वरित रूप से किसानों तक पहुंचाने में यदि अवरोध डाल रहे हैं तो ऐसी राज्य सरकारों को निश्चित रूप से वहां की जनता सबक सिखाएगी और ऐसी सरकार लाएगी जो सरकारें किसान को सेवा कर सके, ऐसी सरकार राज्यों में निश्चित रूप से स्थापित होगी। हम इस देश के किसानों के भविष्य को निश्चित बदलेंगे, इसी विश्वास के साथ जिन सदस्यों ने इसे पूरी कार्यवाही में भाग लिया है, मार्गदर्शन किया है, और उसमें जो कई बातें आई है और जो हो सकता है आज तक हम उस दिशा में कदम नहीं उठाए होंगे, हम निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करेंगे और सबका साथ लेकर हम निश्चित रूप से सबका विकास करना चाहते हैं, इसी प्रतिबद्धता के साथ हम विकास बात करें।